देखिए, कच्चे तेल में लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। सिर्फ इसी साल जनवरी से अब तक अगर आप देखेंगे तो 45% के आसपास की रैली जो है कच्चे तेल में आ चुकी है, और अप्रैल 2019 के बाद के तो सबसे उच्चतम स्तर जो है वो कच्चे तेल ने छू लिए हैं। एक बात है, जितनी ब्रोकरेज फर्म है ना वो जरूर पार्टी मना रही होगी, खासकर मॉर्गन स्टैनली और सिटी जैसी, क्योंकि जब कच्चा तेल $50 के आसपास था तब इन्होंने $70 के आसपास के लक्ष्य दिए थे, और गोल्डमैन का तो $80 के आसपास के लक्ष्य थे। रीजन, क्योंकि जिस तरह से जो वैक्सीनेशन चल रहा है खासकर यूरोप और यूएस में, उसके चलते कच्चे तेल के दाम, खासकर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उससे काफी बेहतर डिमांड आने की उम्मीद है, और इसके लिए कच्चे तेल के दाम में लगातार तेजी जो है वो बढ़ते जा रही है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जो ऑयल कंपनीज है उस पर तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो अगर क्रूड के दाम $1 के आसपास बढ़ते हैं तो कच्चे जो ऑयल बनाने वाली कंपनीज है, जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, उनके ईपीएस पे करीब 3% के आसपास की फर्क पड़ता है, यानी कि दाम बढ़ेंगे तो 3% से ईपीएस बढ़ेगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो गैस के दाम भी बढ़ते हैं, इससे खासकर ONGC और गेल जैसी कंपनीज है, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज है, इनको काफी हद तक फायदा होता है। तो ये तो रही फायदे की बात, लेकिन इससे बड़ा नुकसान भी होता है। एक तो आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम जो बढ़े उसके चलते लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ गई है। इसका इम्पैक्ट काफी हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होता है, क्योंकि उनके मार्केटिंग मार्जिन जो है अगर उन्होंने बढ़ा दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके मार्केटिंग मार्जिन कहीं ना कहीं खराब होते हैं। काफी सारी कंपनीज है जैसे कि पेंट कंपनी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ये इम्पोर्ट करती है और वो भी कच्चे तेल का डेरिवेटिव है। पैकेजिंग कंपनीज है, उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ इकोनॉमी पे इसका खराब इम्पैक्ट पड़ता है। एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इंडिया 80% जो कच्चा तेल है उसको इम्पोर्ट करता है। इंडिया के ओवरऑल जो इम्पोर्ट बिल है उसमें 20% के आसपास जो कच्चा तेल का है। GDP में $1 के आसपास अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो उससे GDP में 0.05% का इम्पैक्ट होता है, CPI में 5 से 6 basis points का इम्पैक्ट होता है, और रुपी पे भी इसका इम्पैक्ट होता है करीब 0.3% के आसपास का। तो काफी सारे सेक्टर्स तो है जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमी पे भी इसका खराब इम्पैक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो काफी सारे सेक्टर्स है जैसे कि पावर, सेरामिक है, ऑटो कंपनीज है, इनके ऊपर कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसका खराब इम्पैक्ट हो सकता है।